नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अंतर्गत एसपी श्यामली अजयपाल शर्मा ने एक अनोखी पहल की है। 11वीं कक्षा की छात्रा को महिलाओं में आत्मबल बढ़ाने को लेकर श्यामली कोतवाली में एक दिन का इंचार्ज बनाया गया। छात्र कोमल गांव कोहरनी की निवासी है। कोमल श्यामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं में पढ़ती है। एक दिन की कोतवाल ने कोतवाली में हवालात दफ्तर विवेचना रूम का निरीक्षण किया और शिकायतकर्ताओं की शिकायत सुनी। अनिल कपूर की फिल्म आई थी नायक, इसमें वह एक दिन के लिए सीएम बनते हैं और धड़ाधड़ फैसले लेकर सबको चौंका देते हैं। अब सिनेमा की दुनिया की यह घटना रियल लाइफ में घटी है। महिला सशक्तिकरण सप्ताह के अंतर्गत एसपी श्यामली अजयपाल शर्मा ने महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए श्यामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज की पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा कोमल को एक दिन के लिए कोतवाली का चार्ज दिया है। सबसे पहले कोतवाल बनी छात्रा ने कोतवाली का निरीक्षण किया और आवश्यक जानकारी ली। वहीं कोतवाली में आई एक फरियादी महिला को पहले तो पूर्वक कुर्सी पर बैठाया, उसके बाद उसकी समस्या सुनी। एसएचओ बनी कोमल सबसे पहले कोतवाली पहुंची और कोतवाली का निरीक्षण किया, ड्यूटी रजिस्टर चेक किया, कंप्यूटर रूम व मेस और हवालात में बंद कैदियों से खाने पीने के बारे में जानकारी ली। उसके बाद बाजार से होते हुए श्यामली के स्कूलों का निरीक्षण किया। शहर में छात्रा के हाथ में डंडा देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां एक दिन की कोतवाल को देखकर नायक फिल्म याद आ गई, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। वह फिल्म का दृश्य था एक छात्रा रियल में एक दिन की कोतवाल। श्यामली एसपी ने छात्रों को 2 घंटे की ट्रेनिंग देकर शहर की सड़कों पर उतार दिया। क्या शहर की भी कोई भ्रमण करेंगे आप? सशक्तिकरण के संबंध में महिला सुरक्षा सप्ताह 4 तारीख से 10 तारीख तक जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी के तहत आज एक बच्ची कोमल जो कि शामली की रहने वाली है, गोहरनी गांव की, उसी को आज ऐसे एसएचओ कोतवाली के रूप में चार्ज लिया गया है, बनाया गया है, ताकि वो पुलिस की जो वर्किंग है उनको समझ सकें और पुलिस भी एक जो स्कूल जाने वाली बच्ची है, कॉलेज जाने वाली बच्ची है, उसके नज़रिए को और बेहतर तरीके से समझ सके, ताकि इसमें जो पुलिस की वर्किंग है और रिफाइन हो सके और हमें और ज़्यादा समझने का मौका मिले और उस हिसाब से हम अपनी वर्किंग को जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ हैं उस कमियों को भी सुधार सकें। ये ड्यूटी है सबकी, पुलिस की, सिपाही दरोगा के अलग होगी, है ना, सिपाही के अलग। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज के एक कोमल नाम की लड़की को आज एक दिन का एसएचओ नियुक्त किया गया है, कोतवाली प्रभारी बनाया गया है। अगर कोई दिक्कत है आपको, मतलब नहीं बता पा रहे हैं, तो आप फोन भी कर सकते हैं। लेकिन माननीय कोतवाल साहब से मान तो मनाया जा रहा है, इसमें मेरी उम्र 20 साल की समस्या समझने के लिए मुझे दिन का कोतवाली माना गया है। भविष्य में आपकी सुरक्षा अच्छी तरह पूर्वक
109 पर कॉल करें। मैं कहना चाहूंगा एकत्रित हुए हैं बेसिकली ये है महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है। महिला सशक्तिकरण विमेन पावर की आवश्यकता हमको क्यों है, इसके कई चीजें हैं जहां से हमको जरूरत पड़ती है। इसकी सबसे बड़ी चीज है इसमें सेल्फ डिफेंस के लिए हम लोग यहाँ महिला सशक्तिकरण कैसे होगा सभी बच्चियों में सभी महिलाओं में फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता इंडिपेंडेंसी कि आदमी अपनी बात कहने से पहले सोचे इस तरीके से हम किसी लक्ष्य की ओर जाते हैं तो उसके लिए हम काना करते हैं। मैं वो लगता है आप लोगों को बच्चियाँ हैं ज़्यादा तरीके से पूरी समय का मैं समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ एक और बात कर रहा हूँ आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ये है कि जैसे हम लोग स्कूल में आए स्कूल में जब हम आते हैं तो हम आपस में यूनाइट होने चाहिए और यूनिटी अगर हम लोगों में बच्चियों में रहेगी तो हम पर कोई चीज़ें हैं बच्चे हैं आस पास कोचिंग में हैं या किसी ऊपर चौराहे पर खड़े रहते हैं किसी ने कोई सरकास्टिक कमेंट किया तो हमारे साथ जो ग्रुप है सबको ग्रुप करना चाहिए ना कि हमें एक बच्ची पर किसी ने कुछ कह दिया ना चाहते हुए हमने उसको वहाँ रोक दिया जाए उसको सपोर्ट करिए उसका मनोबल बढ़ाइए अपना आत्मविश्वास रखिए अपने उस कमेंट को जो आपने दिया किसी और पर कहा गया उस पर प्रतिकूल प्रभाव के लिए आप उसी एक्ट का विरोध करें और जितने आपके साथ में रखा यूनिटी यूनिट यूनाइट होकर आप विरोध करिए। आप हम छात्रा को देंगे वो घर के हाथ हम को देगी और वो छात्रा के फार्म हम को देगी तो उसपे वो आय कार्ड उनका बन के आएगा एसपीओ की तरह कार्य करेगी वो एसपीओ की तरह कार्य करेगी जिस तरह से एसपीओ कार्य करते हैं वो आसपास के महिलाओं को या किसी भी महिला की सुरक्षा की कोई बात हो तो उसको सुन के और हम लोग का केवल 09 जो बेहद ले सकते हैं पावर एंजल जो लड़कियां हैं बनना चाहती हैं। हम लोग हिंदू कल्याण कॉलेज में गए थे उन्होंने काफी फॉर्म भर दिए हैं बीजेंद्र कॉलेज की जो लड़कियां हैं छात्राएं हैं वो अपने फॉर्म ले लेंगी और उस फॉर्म को भर के हमें दे देंगे। एक दूसरी प्रकार का फॉर्म हुआ है जिसमें प्रश्नोत्तरी है वो प्रश्नोत्तरी यह है कि यह कार्यक्रम क्यों चला इससे चलने से क्या फायदे हैं हम आपके व्यू जानने के लिए कि आपके क्या विचार हैं इसके संबंध में तो वो एक कार्यक्रम होगा वो हम आपको देंगे। तीसरा एक कंप्लेन आपके पास और देंगे जो आप लोगों को आगे बांट सकती है क्या करें और क्या ना करें। क्या
महिला सुरक्षा किस तरह पुलिस कर रही है, पुलिस के क्या प्रयास रहते हैं एक बच्चियों के लिए, एक महिलाओं के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो मुहैया कराए गए हैं जिससे कि अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा कोई परेशानी की होती है तो उसको अपनी समस्या को हम तक पहुँचा सकें और हम उसका निस्तारण कर सकें, और कितना निस्तारण हमारे द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और क्या क्या फोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो भी पुलिस की बनी रहती है उससे उसको अवगत करवा रहे हैं। छात्रा के हिसाब से फीडबैक लेकर क्या प्रयास जो है करेगी पुलिस? जैसा मैंने बताया कि पुलिस की वर्किंग में जहाँ कोई गैप होगा या किस तरह की कमी पेशी होगी जैसे कि छात्रा के द्वारा बताया जाएगा, और साथ में उनके इसीलिए पुलिस कर्मी को लगाया गया है स्टडी के लिए कि क्या क्या उम्मीद रहती है, उसको अभी तक हमने ऐसे कदम नहीं किए हैं या उस तरीके से नहीं किए हैं ताकि उस तरीके से उसको सुधार किया जाए। शामली में एक चौकीदार की ड्यूटी पर मौत हो गई। मृतक रविंदर शर्मा जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय बनत में तैनात था। मृतक रविंदर काफी लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा था। जैसे ही परिवार को रविंदर की मौत की सूचना मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल मामला कस्बा बनत में स्थित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है, जहां रविंदर शर्मा नाम का युवक चौकीदार के पद पर तैनात था। रविंदर काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था। बीमार होने के कारण भी मृतक हर रोज की तरह बीती रात भी अपनी ड्यूटी कर रहा था। वहीं ड्यूटी पर तैनात बीती रात रविंदर की मौत हो गई। सुबह जब विपिन नाम के कर्मचारी ने सुबह जाकर बीएसए ऑफिस पर देखा तो रविंदर मृत अवस्था में मिला। विपिन भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां कर्मचारी के पद पर है, जिसकी सूचना विपिन ने मृतक के परिजनों को दी। सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजन शव को कब्जे में लेकर घर चले गए। भाई ये जो है ड्यूटी पे आए थे जी घर से, अच्छा, और सुबह के टाइम गए नहीं तो हमारे पास फोन हुआ घर पे कि भैया उठ रहे थे, तो हम तुरंत अस्पताल में देखा जी दोस्त बैठे थे जी। कहाँ ड्यूटी थी उनकी? उनकी बढ़त थी जी बीएससी के दफ्तर। ये चौकीदार थे जी और बीमार चल रहे थे पहले से ही। अच्छा। हाँ जी, और बस सुबह ही आए तो ये मृत अवस्था में मिले। किस टाइम तक ड्यूटी थी इनकी? इनकी ड्यूटी थी जी शाम के 7 बजे से शुरू हो जाती थी। अच्छा। और सुबह ही 6-7 बजे तक। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शामली कलेक्ट्रेट पर जनपद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जनपद शामली के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शामली कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि सरकार की ओर से शासन देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक 3 माह में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक होनी चाहिए और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी समस्या रख उसका लाभ ले सके। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जिला अधिकारी को सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अभी शासनादेश हुआ था कि पेंशन का पुनरीक्षण हुआ था, उसमें शासनादेश जारी हो चुका है और कुछ संशोधन हुए हैं, उसको हम लोग उसके लिए हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। यहाँ पे आए थे डीएम साहब को, हमने ज्ञापन भी दिया है इस संबंध में, और एक कैशलेस योजना प्रारंभ की गई थी उस पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ है। कैशलेस के लिए 150 करोड़ रुपया संभवतः 31 मार्च को लैप्स हो जाएगा, लेकिन आज तक एक भी सरकारी कर्मचारी का, किसी का जो रिटायर्ड हैं उनका, किसी का कैशलेस में कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। तो कलेक्टर साहब से मिले थे आप, डीएम साहब से? जो डीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले थे, उन्होंने ये कहा कि हम आपका ये जो है ज्ञापन शासन को भिजवा रहे हैं और जो भी निर्णय होगा शासन स्तर पर वो लिया जाएगा। जनपद शामली में बार एसोसिएशन में अनियमितता के चलते बार एसोसिएशन का चुनाव उपभोक्ता फोरम ने निरस्त कर दिया है। शामली बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकीलों में 2 पक्ष हो गए थे। एक पक्ष ने माननीय उपभोक्ता फोरम में अपना वाद दायर की थी, जिसमें बार एसोसिएशन के बायलॉज के अनुरूप कार्य न करना और जूनियर वकीलों का शोषण करना व एसोसिएशन का जमा खर्च का हिस्सा न देना आदि बातों को रखा गया था, जिसका कोई भी तथ्य दूसरा पक्ष नहीं रख पाया। इसके लिए माननीय उपभोक्ता फोरम ने शामली बार एसोसिएशन के चुनाव को निरस्त कर दिया है। ये बाइलोज के विरुद्ध चल रहे सारे, और हमें ये गुमराह कर रहे हैं कि ना नहीं बाइलोज के हिसाब से चलो, जबकि कोई भी काम बाइलोज के हिसाब से नहीं कर रहे, खाली बस यही है अपना भाई लूटमार कर रहे हैं और छोटे मतलब जो हमारे जूनियर वकील हैं उनका सबका शोषण नहीं हो रहा बस। ये तो कैंसिल जो है कई साल पहले होना था, जैसे यहाँ की व्यवस्था चल रही, हम 5 साल से लग गए हमें इस चुनाव को कैंसिल करने में। 5 साल पहले भी हमने जो है
बार कौंसिल को भी लिखा और जगह भी हमने लेटर लिखे कि चुनाव यहाँ का जो चुनाव है वो समय पर नहीं होता, एक साल के अंदर यहाँ कोई चुनाव नहीं होता, कोई जो भी कमेटी बनती है कोई दो साल कर लेती है, कोई डेढ़ साल कर लेती है, कोई जो है पौने दो साल कर लेती है, जब इनकी इच्छा होती है तभी चुनाव करा लेते हैं, वो चुनाव आयुक्त भी ये जो है खुद ही चुन लेते हैं अपने और अपनी व्यवस्था के अनुसार ही चुनाव चुनकर जो है चुनाव करा लेते हैं, उसमें किसी का जो है सहयोग नहीं लिया जाता। एल्डर कमेटी हम शुरू से ही कहते रहे कि एल्डर कमेटी बना लीजिए जिससे कि चुनाव जो है जो समय पर करा ले, लेकिन एल्डर कमेटी आज तक नहीं बना पाई है। असल हमारे यहाँ जो बार में अनियमितता चली थी जी, और उसके विरोध में कुछ अधिवक्ता आगे आए और उन्होंने दावे दायर किए माननीय उपभोक्ता फोरम में न्यायालय में जी, और वहाँ से ही रिमेडी मिली है क्योंकि बायलॉज के अनुसार ये कुछ नहीं कर पाए। बायलॉज के अनुसार उन्होंने कोई भी दस्तावेज कोर्ट के सामने नहीं रखा, कोर्ट को भी गुमराह करते रहे, इसलिए न्यायालय ने आदेश पारित किया कि जब तक वैधानिक तरीके से ये अपने दस्तावेज कोर्ट के समक्ष पेश नहीं करते तब तक स्थगित रहेगा चुनावी प्रक्रिया। कहल्ला थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जहां से अज्ञात चोरों ने हजारों की नकदी व सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ किया और चोरी की घटना को अंजाम दे मौके से फरार हो गए। घटना रात्रि उस समय की है जब पूरा परिवार घर में सोया हुआ था, उसी दौरान चोरों ने एक वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल मामला कहल्ला थाना क्षेत्र के गांव टुढार का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर चोरी की है, जहां से चोरों ने हजारों की नकदी व सोने चांदी के कीमती जेवरात चोरी किए। घटना को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित मकान मालिक का नाम धर्मपाल है। घटना उस समय की है जब पूरा परिवार घर में सोया हुआ था, उसी दौरान दीवार फांद कर कुछ बदमाश घर में घुस आए और घर में रखी नकदी व आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए। जैसे ही सुबह परिवार के लोगों की आंख खुली तो उन्होंने घर का सारा सामान बिखरा हुआ पाया और घर की अलमारी में रखा कैश और जेवरात कायम मिला। चोरी की वारदात से गांव में हड़कंप मच गया और पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी में जुट गई है। कहल्ला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। जी कुंडा खुलवाया, बूढ़ा लोग ठहरा उसका कुंडा खुलवा और मैं फिर बाहर आया। बाहर आने के बाद में देखा नहीं, वो ये भी चिल्ला रही थी, यहाँ हमारे कमरे का भी कुंडा बंद है। मतलब आया ऊपर आने के बाद में कुंडा खोल लिया, मुझे खोल लिया कुंडा भी, मतलब बाहर से बंद दरवाजे उनको मगर बराबर के कमरे में देखो, ये ना देखा उनको हमारे नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा नाश हो गया कमरे। कितना नुकसान होगा जी? 2.5-3 लाख का तो होगा। क्या क्या सामान गया कुछ पता है? पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस 100 नंबर पे डायल में ही करा था जी। 100 नंबर वाले आगे थे, करीब आधा घंटा बाद, 1-1.5 घंटा बाद फिर चौकी पुलिस आ गई थी। कोई कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से अभी तक? तहरीर दी गई है, अपनी कार्रवाई क्या होगी। अच्छा, इस तरह का मामला पहले भी हुआ गांव में क्या? नहीं, रात ही 2 जगह और बड़े चोर। हाँ। लेकिन उनका नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी जाग होने पे भाग गए। उसके पहले भी एक आदमी भैंस भूस चोरी हुई। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुढ़ाना क्षेत्र के ग्राम वैली रोड पर लूट की घटना में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 7,000 रुपया, 2 मोबाइल, 3 तमंचे, कुछ कारतूस व 2 चाकू बरामद किए हैं। वहीं एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों ग्राम वैली रोड पर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को भारत गैस एजेंसी बुढ़ाना के पास से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7,000 रुपये व 2 मोबाइल फोन एवं अवैध हथियार बरामद किया है, जिसके चलते एक आरोपी आरिफ पुत्र तैयब निवासी रसूलपुर दबेड़ी थाना बुढ़ाना फरार होने में कामयाब रहा। मुजफ्फरनगर से न्यूज 7 के लिए गौरव पवार की रिपोर्ट। 20/11/2017 को हम लोग रात्रि 8 बजे एक सूचना मिली कि बेली रोड पे कुछ राहजनी हुई है। इस संदर्भ में मुकदमा लिखा गया, उसके बाद हम लोगों ने जांच शुरू की। जांच के संदर्भ में हम लोगों ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, 1 अपराधी फरार है। क्या क्या बरामद किया है सर? हम लोगों ने इसके इन अपराधियों से 7,000 रुपये, 2 मोबाइल, 315 रुपये, 2 तमंचे, 4 कारतूस और 1 12 रुपये का 1 तमंचा और 2 चाकू बरामद किए गए। इस प्रोग्राम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।